हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रेलवे ट्रैक के पास 10वीं कक्षा के छात्र का एक शव मिला है। परिजनों ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोपी दो दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 23 जनवरी से युवक लापता था। गुरुग्राम के सेक्टर 5 का रहने वाला था छात्र। आपको बता दें गुरुग्राम के सेक्टर 5 में रहने वाले 10वीं कक्षा के छात्र का शव गुड़गांव रेलवे स्टेशन के पास एक कंपनी के यार्ड में मिला है। वो 23 जनवरी से लापता था। वहीं छात्र के परिजनों ने छात्र के दोस्तों पर ही हत्या करने का शक जताया है और इसी के आधार पर जीआरपी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि जीआरपी थाना पुलिस का मानना है कि छात्र एक ट्रेन की छत पर चढ़ गया था, करंट लगने से उसकी मौत हुई है। आपको बता दें कि छात्र 23 जनवरी को अपने दो दोस्तों के साथ घर से बाहर निकला था। दोनों दोस्त घर लौट गए लेकिन छात्र नहीं लौटा। इस पर उसके परिजनों ने काफी तलाश भी की लेकिन छात्र का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद परिजन पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि मृतक अपने दोस्तों के साथ गया था लेकिन दोस्त अपना बयान बदल रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है।